हेलो फ्रेंड्स, मैं ड्रीमर आपका होस्ट। वेलकम टू ड्रीमलाइन गेमिंग। इस गेम जो कि पैल वर्ल्ड है, इसे मैं कवर करूंगा और इसको मैं ही कवर करूंगा क्योंकि मेरे अलावा इस गेम को और कोई जानता नहीं है मेरी टीम में। मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा है, इसका नाम रोमियो है। ये बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहेगा, आपको इसकी आवाज़ें आती रहेंगी। आगे के गेम्स में भी आपको इसकी आवाज़ें आएंगी, कुछ गेम्स ये भी कवर करेगा। हम लोग कुछ मल्टीप्लेयर भी खेलेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको सोलो खेलने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? अबे जब हम लोग गेम में घुसते हैं ना, तो ये तीन फुदड़ू हम लोग को देखने मिलते हैं। तीन पैल्स, फुदड़ू नहीं पैल्स। गेम और एनीमे। हाँ वैसे ही कुछ है। टावर्स आर द की, ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। इसमें टावर्स माने बहुत सारे टावर्स जिसमें बॉस फाइट्स होती है। और अभी तुम आगे जाके देखोगे एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड ट्री टाइप का, एक ड्रसील टाइप का, एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी है इस मैप में। ठीक है, चलो चला जाए यहाँ से। कोई कहीं से कैसे भी गेम कोई भी स्टार्ट करे, स्टार्ट तुम यहीं से होगे, विंडस्वेप्ट हिल से आओ और इसको अनलॉक करो। इसको अनलॉक करने पर टेक्नोलॉजी भी दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी पॉइंट का यूज होता है। लेकिन मैं यहाँ से गेम नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं रिस्पॉन करूंगा, मैं दूसरी जगह से गेम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलो मर गए। नहीं रे, मरे नहीं हो रही, स्पॉन है ना। देखो इसमें क्या है ना, अगर तुम रिस्पॉन करते हो, तुम मरते हो, तो तुम अपने सारी चीजें जैसे पबजी में रहता ना, वहीं पे छोड़ दोगे। फिर तुम जब आओगे वापस, तो तुम्हारे पास सिर्फ तुम रहोगे और तुम्हारी टीम में जो पैल्स है वो रहेंगे। उनको तुम सेटिंग से चेंज कर सकते हो। व्हाट अबाउट द गैजेट्स? जितनी भी चीजें तुम्हारे बैग में होंगी वो वहीं छूट जाएंगे जहां मरे हो, तुम्हें जाके रिट्रीव करनी पड़ेंगी। अब मैं यहां से गेमिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आओ देखो अब मजा आवेगी। ये व्हाइट लाइन जो साइड में आ रही है वो मेरी स्टैमिना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलो पहले ये उठाया, Zoran's Diary 2। अच्छा, और ये क्या नीला नीला? ये बाबा यही पोकीबॉल है, एक तरह इस गेम की पोकीबॉल है। पैल्स से हम लोग पकड़ते हैं, पैल्स को इसी से पकड़ेंगे। और ये अंडा है किसका दिखाएंगे? किसी का अंडा नहीं है, ये अंडा है, इसमें से पैल निकलेगा। ठीक है, आई मीन पोकेमोन। ऐसे नहीं, इसमें अभी आगे जाकर के आएगा एक डिवाइस जिसमें हम लोग अंडा रख सकते हैं, वो अंडे को इनक्यूबेट करता है ना, और वे निकलता। देखो ये इतना परसेंट चांस है इसको पकड़ने का। ठीक है, okay, अब देखो okay, हम जा रहे okay, जा रहे okay. ये लेवल अप हुआ मेरा। अबे इधर आ, इधर आ बिल्ले। अबे पकड़ पाओ, पकड़ सको तो। नहीं 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 पकड़ेंगे कैसे, नहीं जा, इधर आओ। भागा चला जा रहा है, अभी देखो भाग रहा है। एक घूसा पड़ता ही ये पलट के मारेगा। अरे आजा 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 आजा, थक गया मैं, थक गया। रुको रुको, आजा आजा आजा, एक घूसा पड़ जाए बस, अभी पलटेगा। ए तेरी, भाग तेरी, मुंह ही मुंह पे, मुंह ही मुंह पे। ये कौन सा पोकेमोन है? ये पोकेमोन आ बे, ये लोग लड़ते हैं पलट के, मुक्का मार के बस इनकी लाइफ कम कर रही है। उसके बाद पैल बॉल फेंकेंगे, देखना 100% दिखाएगा। देखो ये फेंक दिया है ना, अब वो पकड़ लेगा, 100% है तो पकड़ लेगा है ना। तुरंत लेवल अप हुआ मेरा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे। अब देखो क्योंकि मैंने उस एक को किया था, अभी देखना इसके अगर किसी ने इसी की स्पीशीज के किसी ने हम लोग को देखा अगर उसे मारते हुए, तो वो भी आएंगे मारने। ये देखो आ गया, आ गया, आ गया, राइट ऑन पॉइंट आ गया। देखो अब मेरी लाइफ आधी हो गई है। देखो 9% दिखा रहा है ना, उसकी लाइफ अगर मैं कम करूंगा तो मैं उसे पकड़ पाऊंगा। देखो अभी भागना पड़ेगा, लेकिन मुझे वरना ये मुझे मार देगा यहाँ पे। ये कौन सा पोकेमोन भाग रहा है? अरे वो एक और बाबा, वो मेलपैका है, वो कहते हैं, वो होते हैं ना यहाँ पे जो, अबे कौन से जानवर होते हैं? कौन से? अरे जो थूकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्पिट जो करते हैं, क्या नाम है ना? याद नहीं आ रहा। अबे मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। चलो खैर जैसे भी, वो बहुत अच्छा बिगिनिंग का राइडिंग माउंट है वो। इसमें क्या है, तुम भूसा मार रहे हो या कुछ कैसे भी मार रहे हो, दो जगह हिट पॉइंट से तुम मार सकते हो। नॉर्मल जगह कम लगेगी, अगर एकदम हेडशॉट दे रहे हो तो ज्यादा लगती है, किसी भी चीज से मार रहे हो। ये बाकी पॉइंट्स कैसे है? हाँ, तुम्हें एक्सपीरियंस बोनस मिलता है कोई भी पैल के पहले 10 तुम जब पकड़ते हो। अच्छा, तो जो पहले 10 ये पिंक बिल्ले पकड़ूं, ये बाबा लेवल अप हुए हैं तो अपने स्टैट्स में बढ़ा रहा हूं। ओके, हाँ लेवल अप हुए, स्टैट बढ़ा रहा हूं। अगर मैं मर जाऊंगा तो जो अंडा और लकड़ी और जो बेरीज रखी है वो यहीं गिर जाएंगी, तो मुझे आके वापस उठानी पड़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी जो अनलॉक कर रहे हैं, इसी के थ्रू गेम जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो अलग अलग चीजें अभी जैसे जैसे इन चीजों को मैं बनाऊंगा तुमको समझ में आएगा ये सब क्या क्या करती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली तुमने सर्वाइवल गेम्स खेले तो तुम समझ ही रहोगे, एक्स से हम लोग लकड़ी काटते हैं, पिकैक्स से हम लोग
जिस तरीके से ये करेगा उस तरीके से नहीं है ना। अभी देखो ये गुमास जा रहा है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, ये सबको अभी नहीं पकड़ेंगे धीरे धीरे। जैसे देखो अभी मेरे पास कोई तरीका नहीं है पैल स्वेयर्स को क्राफ्ट करने का। अच्छा अच्छा, तो मुझे जो जमीन पे पड़े मिलेंगे मैं उनको उठाऊंगा और फिर पकड़ूंगा, उनको उठाऊंगा और फिर पकड़ूंगा, ऐसे ही हम लोग इस गेम को खेलेंगे। अभी मैं ऐसे ही अंधाधुन भाग रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मैं अपना बेस एस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है ठीक ठीक। और वो देखो परेशान में तो इतने बड़े पैल्स नहीं मिलेंगे जो वहाँ कंकाल पड़ा हुआ है। हाँ वो देखो कंकाल, ये कौन से पोकेमोन का कंकाल है बाबा हमें नहीं पता। शायद डेवलपर्स कभी इसको रिलीज करेंगे कि वहाँ पे कौन सा पैल मरा पड़ा है ना? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अभी नहीं पता, अभी देखो हम तैयार के जाएंगे उधर, कोशिश तो यही है मेरी। वो तो सही है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसे खाया है। नहीं वो खाए, उतने बड़े पैल को कौन खाएगा, कोई भी खा सकता है। हाँ मरने के बाद तो हाँ कोई भी खा सकता है ना। देखो मैं तैयार के जा रहा हूँ, नहा लेते सुबह ही, यहाँ नहाना पड़ रहा है। अभी बोलना जरूरी है हैं? देखो कि चोटी पे मैं देखो एक और अंडा, एक और अंडा, ये रॉकी एग है, इससे नॉर्मल से ग्राउंड टाइप मिलेगा मुझे। हाँ इसमें भी पोकेमोन की तरह टाइप्स हैं और कुछ टाइप दूसरे टाइप्स पे सुपर इफेक्टिव भी है। हाँ वो जैसे हाँ वो टाइप वाले रिलेशनशिप है इसमें भी। ठीक ठीक है ना, उसे हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ये ऊपर ये क्या चीज़ है? ये लिफ्ट मंक एफिजी है, मैं कहता यही प्रोनंसिएशन पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, पर यही है। इससे क्या होता है ना, एक आगे चल के स्टैचू ऑफ पावर में बनाऊंगा। अच्छा। उस पे ये एफिजी डालने से मेरे जो कैच रेट्स हैं परसेंटेज वो बढ़ जाते हैं ओवरऑल। चलो ये तो कुछ अलग चीज दिखाया। हाँ तो अलग अलग तरीके से इसमें गेम को क्या कहते हैं प्रोग्रेस करने के अलग अलग तरीके। अभी देखो सामने संदूक मिलेगा, संदूक लेंगे हम जाके, चेस्ट ओके है ना, ये गुम्मा है भाई, इसमें तुम गुम्मा फेंक के मार नहीं सकते किसी को। क्यों नहीं हो सकता आगे डाले कि जो स्टोन्स तुम उठा रहे हो फेंक के भी मार सकते हो एज के कहते हैं प्रोजेक्टाइल्स, लेकिन इसमें गुम्मा फेंकने का कोई वो नहीं है। अभी मैकेनिक कहा जोता उठा क्यों रहे हो फिर कहा जोता, हमारा तीसरा गेमर जो है ना लूसीफर, वो अगर गेम को खेलेगा तो गुम्मा ही फेंकेगा सब पे। हाँ ये बात तो सही है। चलो ये देखो चल दिए चल दिए चल 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 एक और अंडा मिला, तुम समझ ही पा रहे हो कि वाटर टाइप अंडा है। टाइप है। अब इसमें एक चीज है, वाटर टाइप एग्स भी है, इसमें आइस टाइप भी है, इसमें ड्रैगन टाइप भी है। ठीक है जैसे जैसे हम लोग खेलेंगे इसमें ड्रैगन टाइप मिलेंगे। और एक चीज और है, तुमको थोड़ा क्यूटनेस से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम एक्चुअली में मारने जाओगे है ना तो तुमको, क्योंकि इसमें सारे पैल्स क्यूट दिखेंगे तुम्हें। देखो एक और पैल मिला। देखो अभी तुम्हें सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, अभी तुम्हें बड़े बड़े भी दिखने शुरू होंगे। देखो हम जा रहे हैं आगे, वहाँ पे वो सेफ पॉइंट कह रहे हैं, वे पॉइंट को एक्टिव कर रहे हैं, यहाँ से फास्ट ट्रैवल नहीं से खुलता है। हाँ हाँ ये फास्ट ट्रैवल एक्चुअल में है क्या चीज़? ये मैं मैप में जा करके एक फास्ट ट्रैवल पॉइंट से किसी भी फास्ट ट्रैवल पॉइंट पे जा सकता हूँ अगर मैंने उसको अनलॉक किया। वो देखो बड़ा सा हाथी उधर, तो अब इसको पकड़ने वाले हो? हाँ आप पकड़ेंगे, मुझे बॉल मिल गई ना। हाँ हाँ दो तीन बॉल मिल गए, बिना बॉल के थोड़ा ना पकड़ पाएंगे, वो कीचड़ फेंक रहा है मेरे पे। बहुत बढ़िया, वो देखो अब देखो उसके दोस्त भी फेंक रहे हैं, क्योंकि मैं उसको मार रहा हूँ उसके दोस्त भी मारेंगे, जैसे आपस में हम लोग करते हैं। हाँ बेसिकली मैटर हो गया। देखो 76% फेंका, वैसे पोकेमोन की तरह है, तीन बार टिंग 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 धड़। ओके तीन बार हिलता है। हाँ पकड़ ले, गुमास भी आ गया, अभी मेरा लेवल 4 होने वाला थोड़ी देर। देखो एक और संदूक। हाँ 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 ये बेरीज हैं जिनको तुम पिक कर सकते हो, इसमें हंगर भी है, तुमको खुद तो खाना है। हाँ हाँ तुमको पैल्स को भी खिलाना है। ओके अभी दिखाते हैं, अभी धीरे धीरे सेट होगा, पोकेमोन स्टोरीज वगैरह पे चलता है ना। अब पोकेमोन गेम्स में अब मुझे अभी का नहीं पता क्योंकि मैंने लेटेस्ट वाला खेला नहीं है। हाँ। है ना, लेकिन पोकेमोन गेम्स में शायद खिलाना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जो मैंने खेला है लास्ट, मैंने पोकेमोन गेम खेला था जो, वो बहुत पुराना गेम खेला था, तो अपग्रेड कर रहे हो क्या? नहीं नहीं टेक्नोलॉजी अनलॉक कर रहे हैं। देखो देखो हंगरी लिख के आगे ना। हाँ हाँ यहाँ पे जाएंगे हम, इसको लेंगे और खुद को खिलाएंगे। वाह है ना, यही है। इसमें पैल्स के ट्रेट्स भी होते हैं, डिफॉल्ट ट्रेट्स, उनके हिसाब से उनको भूख कम ज़्यादा लगती है, वो काम कम ज़्यादा करते हैं। अब काम को तुमको हम बताएंगे भी दिखाएंगे, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। काम है ना, काम। हाँ काम, कैसा काम? देखे 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 अभी मज़ा आएगी। ये लड़ाई करने के अलावा तुम पैल्स को पकड़ के अपने बेस में काम पे लगा सकते हो,
तुम्हारे लिए क्राफ्टिंग करें, तुम्हारे लिए खाना पकाए, तुम्हारे लिए चीजें बनाए। अभी देखना बहुत मजा आने वाली है ना। ये बिगिनिंग में सबसे अच्छा पैल वो है, लेवल 10 लेवल 11 में अगर तुम इसको पकड़ ले रहे हो। ठीक है, तो क्या अभी उसको पकड़ो? जो जो रेनडियर टाइप का था वो एक्सडियर है, बहुत बहुत ओवर ओपी बिगनर पैल है वो। अब देखो यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ 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 पकड़। हाँ बाबा, ये क्या ईवी है? ये क्रेमिस है। ईवी हाँ, ईवी का रिप ऑफ है, लेकिन ईवी से ज्यादा अच्छा है। ये क्या आइस टाइप राइट है? आइस टाइप? हाँ नहीं नहीं, ये नॉर्मल टाइप है। ईवी भी तो नॉर्मल टाइप ही था। हाँ ईवी नॉर्मल टाइप। काफी तुम्हें सिमिलैरिटीज मिलेंगी, लेकिन पता नहीं क्यों पैल वर्ल्ड में जो इन लोग ने मॉन्स्टर्स बनाए हैं ना, वो और ज्यादा एक्सप्रेसिव और वो लगते हैं, क्या कहते हैं, डिफाइंड है, एग्रेसिव भी है, काफी एग्रेसिव तो है ही, है ना। इसमें इनकी हेल्थ भी तुम्हें देखनी है। कुछ पैल्स क्या करते हैं, जब तुम उनको बहुत ज्यादा काम कराओगे, अगर उनके टेम्परामेंट जो है वो वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है काम वाला, है ना, तो वो अपसेट हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे, है ना, तो तुम्हें उनका एक्सप्रेशन चेंज भी मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे भी नर्स जॉय है? इधर नर्स जॉय नहीं, तुम्हें फिर यहाँ पे क्या कहते हैं वो बनाने पड़ेंगे, एक और अंडा मेडिसिन बना के देनी पड़ेगी। अलग अलग मेडिसिन अलग अलग चीजें क्योर करती है, स्ट्रेस भी है इसमें पैल्स का। ये अंडा लगा चेंज कर सकते हो। ये आई सकता वो, देखो ये पहले टावर पे हम लोग आ गए। नहीं नहीं मैं वो नहीं कहता, मैं अंडा? जो अंडे उठाए हैं हाँ, ये लगाओ तो सही। कहाँ नहीं बाबा, ऐसे नहीं होगा। अभी जब लेवल अप करेंगे तो इसकी टेक्नोलॉजी अनलॉक होगी, जो एग इनक्यूबेटर इसमें रहता है एक तो। ठीक है, तो वंस वी अनलॉक द एग इनक्यूबेटर वी विल बी एबल टू पुट एग्स इनटू इट एंड इट विल टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू द एग। इसमें नॉर्मल अंडे है। ये डंजन है, है? ये डंजन है, डंजन है। मैं मैप खोल के बस डंजन को यहाँ मार्क करूंगा कि ये डंजन यहाँ, ताकि हम डंजन को खो ना दें। ठीक है, ताकि जब यूज कर रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस फार्मिंग बहुत अच्छी होती है डंजन में, तो आगे है हाई लेवल पे पहुंच के डंजन में एक्सपीरियंस फार्म करना रहता है। अभी फिलहाल तो हर पैल को 10-10 पकड़ते हैं, जो बहुत अच्छे आराम से तुम लेवल 20-30 पहुंच सकते हो। ठीक है भाई, थोड़ा सा ग्राइंड है इस गेम में। बाय द वे गाइस, तुम लोग को ग्राइंड देखना नहीं पड़ेगा, मैंने ग्राइंड काफी इसमें फॉरवर्ड किया हुआ है। अच्छा अच्छा, है ना। अब देखो ऊपर तुमको दिख रहे हैं लड़ाइयां हो रही है, इसमें सिंडिकेट भी है एक तो। ठीक है, टीम रॉकेट टाइप। अब देखो मैंने पकड़ने की कोशिश करी, उस पर लड़ाई होती, लेकिन उसको पहले मर गया। मरे को तुम नहीं पकड़ सकते, तुमको लाइफ का भाई पोकेमोन वाला है, पोकेमोन वाला है। मरे हुए नहीं पकड़ सकते। अब देखो वो लोग गनन लिए हुए, अब मैं फाइट लूंगा बेयर हैंड बंदूक वालों से। नहीं पोकेमोन तो तुमने पकड़ लिया ऑलरेडी मुक्का मार के। हाँ तो क्या अब इन लोग से भी लड़ोगे? पत्थर भी तुम इसमें इंसान भी पकड़ सकते हो, इंसान। हाँ पहल जो तुम्हारे स्फीयर थे उसमें तुम इंसान पकड़ सकते हो, लेकिन हम पकड़ेंगे नहीं एक को इंसान, वो नहीं खेलेंगे हम, क्योंकि अगर तुम इंसान पकड़ते हो तो अगर तुम इंसान पकड़ते हो है ना, तो तुम इसमें वांटेड हो जाओगे। अच्छा 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 अच्छा, या इंसान पे तुम अटैक करते हो, सिंडिकेट वालों पे नहीं, जो नॉर्मल मर्चेंट्स सब मिलेंगे तुम उन्हें भी पकड़ सकते हो। ये कौन सा मतलब हुआ? ठीक है कि तुम इन लोग को पकड़ने में लगे। हाँ देखो हम हाथ ही से मार देंगे फिर। देखो बेच दे गन, किसी काम का नहीं तेरे। ये देखो डिस्काउंट पिकाचू, डिस्काउंट पिकाचू। ये इलेक्ट्रिक टाइप है, ऐसे तो आके जैसे बचाते हो इनको, ये तुम्हारी टीम में आ जाते हैं। क्या नाम है इसका? देखो आएगा नाम स्पार्केट। हाँ स्पार्केट, स्पार्केट, क्योंकि जब इसमें आगे चल के लेट, थोड़ा सा लेट गेम में इलेक्ट्रिसिटी जब तुम इस्तेमाल करते हो चीजों के लिए, तो ये इसमें भी यही है, तुम बैटरीज नहीं बनाओगे। अच्छा इन्हीं को यूज करोगे? हाँ तुम पैल्स का इस्तेमाल करोगे उसमें। ठीक है, तुम क्या कहते हैं फायर वाले जो पैल्स हैं उनका किंडलिंग स्किल है, उसको उनको तुम इस्तेमाल करोगे लोहा पिघलाने के लिए, इनगट्स बनाना है या तुम्हें खाना पकाना है। अच्छा ये जो अभी रिसेंटली पोकेमोन आ रहा है उसमें कुछ ऐसी चीजें चल रही है? हाँ है, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ तो कैसे? हाँ भाई जरा ये बताना ये है क्या चीज? ये यार पैल बॉक्स है, ये डिफाइन करता है कि तुम्हारा मैप में बेस कहाँ पे रहेगा। तुम इसको जहाँ भी लगाते हो ये तुम्हारे बेस के सेंटर में रहता है। ये एक रेडियस बनाता है जिसके जितने एरिया में तुम अगर कोई भी रिसोर्स डालोगे या इतने ही एरिया में तुम बिल्ड करोगे, तुम्हारे पैल्स इसी एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी रिसोर्स तुम इस एरिया में किसी डब्बे में डालोगे तुम उनको डायरेक्टली क्राफ्टिंग के लिए खींच सकते हो। तुम्हें अपने इन्वेंट्री में लेकर चलने की जरूरत नहीं है हर चीज़ की, तुम जाकर ढूंढ रहे हो कि कहाँ क्या रखा है। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या ये हम बेस अपना इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं? लेवल 10 पे तुम दूसरा बेस बना सकते हो।
अच्छा चलिए ठीक है ये है। अब देखो बेस सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं मैं लगा पा रहा हूँ क्योंकि ये जो है बॉस फाइट के बहुत पास है, जो टावर दिख रहा है हाँ हाँ उसके बहुत पास है ठीक है, तो मैं बेस यहाँ बनाऊंगा। बेस हमेशा एक क्लियर बड़े एरिया में बनाना चाहिए। अच्छा इसीलिए इतनी देर से बार बार मैप ओपन करके चेक, हाँ इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ क्लियर बड़ा एरिया मिले, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स जो बननी है जो बेस के अंदर रहनी चाहिए वो बड़ी है, जैसे कि इसमें ब्रीडिंग भी है ओके कि दो डिफरेंट पैल्स को तुम ब्रीड करके एक नया पैल ऑब्टेन कर सकते हो है ना, तो वो जगह बहुत बड़ी लेगा, प्लस हर बेस में इवेंचुअली 15 पैल्स टोटल काम करेंगे तो उनके बिस्तरे भी बनने हैं, अभी सब देखोगे ठीक है। अभी पहले पैल बॉक्स सेट करना है, इसको मैं कहाँ लगाऊं पहले रुको, देख पानी की तरफ करके लगा दे, पानी उधर है ना, यहाँ ठीक है यहाँ लगाते हैं। अब फिर इसको बिल्ड कर लिया मैंने ठीक है अब इसने एक तो एरिया बना दिया, अभी जब मैं एरिया के बाहर जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली दिखेगा। अब मैं ये पहली फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ, इस फाउंडेशन के हिसाब से ग्रिड बनेगी, उसी ग्रिड के हिसाब से मेरा पूरा बेस रहेगा ठीक है, वरना हॉचपॉच होती जब पैल्स सिर्फ एक जगह बैठ के काम नहीं करेंगे ठीक है, वो काम करेंगे, भूख लगेगी जाके खाएंगे, रात हुई कि जाके सो जाएंगे। अच्छा 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 ठीक है ना, तो वो हर चीज सिस्टमेटिकली चलती है, तो इसी हिसाब से मैंने अपना बेस सेट किया ताकि मेरे को कोई भी चीज के लिए इधर उधर ना होना पड़े, या कोई भी चीज किसी पैल के बीच में ना आए, रास्ते में ना आए, क्योंकि फंस जाते, थोड़ा एआई अभी इतना रिफाइन नहीं है। हाँ नया गेम है तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अभी अर्ली एक्सेस है ना इसीलिए फुल रिलीज नहीं है ये, तो पैल्स जो है वो फंस जाते हैं। अब देखो धीरे धीरे करके, अब देखो ये पैल बॉक्स है, इस पर मैंने सबको डाल दिया, मेरी टीम से हट गए वो ठीक है। अब मुझे समन करने के लिए पैल बॉक्स ही समन करना होगा ठीक है। देखो ये अलग अलग चीजें जो अभी मैं बना सकता हूँ, यही सब चीजें मैंने टेक ट्री में अनलॉक करी थी। अच्छा अच्छा, जब लेवल अप हो रहे थे ठीक है। ये तुम्हारी जो बेंच है इसमें सब वो कुल्हाड़ी और तीर कमान और सब बनता है पूरा बो एरो। अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा यहाँ पे ग्राइंडिंग है, क्योंकि इस गेम की शुरुआत में लेवल 10 से 15 तक आपको बहुत ग्राइंडिंग करनी है। एक बार आपकी क्या कहते हैं पैल सेट होगा, वो काम करते चले जाएंगे, फिर आपको ग्राइंडिंग उतनी नहीं करनी, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कुछ ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है? हाँ डार्क हो रहा है, अभी ठंड लगने लगेगी मुझे। देखो ये नीचे देखो सन बना हुआ है बी के बगल में, ये डे साइकिल है, दिन खत्म होने वाला, अभी वो मून बन जाएगा, वो रात हो जाएगी, रात में अब ठंड लगने लगे देखो लाइफ जा रही है मेरी धीरे धीरे, दो 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 करके है ना। अब मुझे कैंप फायर बनानी, इससे मेरी लाइफ जाने बंद हो, मुझे बेड बनाना ताकि रात में मैं सो सकूं। अच्छा अच्छा ये बात ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत एमेच्योर तरीके से पुट टुगेदर गेम है, बहुत वर्सेटाइल तरीके से इसको उन लोग ने डिज़ाइन किया है ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स भी हैं ठीक है, जो तुम्हें अफेक्ट करते हैं। अभी इसमें कुछ एरियाज हैं जहाँ बहुत ठंडा है, वहाँ पे तुम स्पेशल क्लोथिंग के बगैर जा नहीं सकते, या वॉल्केनो एरिया है, वहाँ पे तुम हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग के बगैर नहीं जा सकते। समझ गया ठीक है, तो इसी वजह से अब ये देखो, अब मैंने कैंप फायर सेट करी, मैं कैंप फायर सेट करूंगा, मुझे गर्मी ठंड लगना बंद हो जाएगी, मेरी लाइफ जाना बंद हो जाएगी। लाइफ कहाँ चेक कर रहे हैं? ये देखो दो 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 जा रही ना, दो दो, वो हर सेकंड दो लाइफ जा रही है मेरी ठीक है, दो हेल्थ पॉइंट्स हर सेकंड जा रही है, बैरिस डाल दी। अब देखो इतना माल मेरे पास है, अब मुझे डब्बे बनाने हैं, वो सब मैं ये माल में रखूंगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर मेनली अपने आप को खाली रखना है। हाँ तो जरा डिब्बे में रखना क्या है? डिब्बे में सारा माल जो है थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिब्बे में अलग अलग तरीके से सेट करेंगे। कौन सा माल? नहीं नहीं वो माल नहीं। अच्छा वो माल नहीं, जितना माल मेरी इन्वेंट्री में, जितना स्टफ मेरी इन्वेंट्री में है वो सब मैं रखूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे पैल्स जो हैं जब वो माल जमा करेंगे, कोई लकड़ी जमा कर रहा है, कोई पत्थर, भी माल है बता रहे ना माल कौन सा, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई बेरीज है ना, तो मैंने जहां रखा होगा वो मेनली वहीं लाके जमा करेंगे, या क्लोजेस्ट जो उनके डिब्बा होगा। अच्छा और इतना देर हो गया अभी तक ये नहीं बताया कि इन अंडों को लगाओगे कहाँ? इन अंडों का अभी, क्योंकि लोगों के पास दो होते हैं, नहीं, तो नहीं, तीन नहीं, तुम गलत अंडे की तरफ जा रहे हो ठीक है ये अंडों का टेक्नोलॉजी जो टैब दिख रहा है हाँ हाँ, उसमें जा करके एक ठो एग इनक्यूबेटर अनलॉक करना रहता है। अच्छा अच्छा, वो अनलॉक होगा बाद में जाके ठीक है, जब वो अनलॉक हो जाएगा तब ये एग्स उसमें लगाएंगे, उनका हर एग का अपना अलग टाइमर होता है, और टाइमर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको हैच करना रहता है। तो ये जो स्टैटिक्स चेक कर रहे हो इसमें बार बार तुम हेल्थ पे ही क्यों फोकस कर रहे हो?
बाकी और भी चीजें उनको क्यों नहीं रेस देखो बाबा, हेल्थ वेट और स्टैमिना इन तीन ही चीजों में डालने हैं एट्रीब्यूट्स, अटैक डिफेंस इस सब में नहीं डालना है, या क्राफ्टिंग स्पीड में, क्राफ्टिंग स्पीड में डालना इसलिए बेवकूफी है क्योंकि मेनली तुम्हारा सारा क्राफ्टिंग जो है पैल्स करेंगे, ठीक है, और उनकी स्पीड तुम कितना अपने में डाल लो तुमसे ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। अटैक तुम हमेशा अपने पैल्स के थ्रू करोगे या तो पीठ पे बैठ के उनको कमांड करके, हाँ हाँ, है ना, और डिफेंस में भी वही सेम चीज है, ठीक है। तुम अगर पैल्स लेके खेल रहे हो तो तुम अपनी हेल्थ बढ़ाओ, ठीक है, तुम अपना क्या कहते हैं वेट बढ़ाओ क्योंकि ताकि तुम और चीजें लेके इधर उधर चल सको, ठीक है, और अपनी स्टैमिना बढ़ाओ ताकि लंबे टाइम तक दौड़ सको या ग्लाइड कर सको। अच्छा आप समझे। हाँ, इसमें ग्लाइडिंग भी, जैसे फोर्टनाइट में है ग्लाइडिंग, वैसे अगर तुम जो बहुत डबल जंप करोगे तो ग्लाइडर निकाल लेता है वो ग्लाइडर में बनाने के बाद। हाँ तो ये कितनी देर में देखने का मौका मिलेगा ग्लाइडर? अभी टेक्नोलॉजी खुलेगी तो उसमें ग्लाइडर भी रहेगा, वो भी क्राफ्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी शुरू का गेम इज नॉट दैट एक्साइटिंग, अभी काफी बोरिंग रहता है ना, तो अभी का हम लोग का एम है इस गेम के बारे में पूरी तरह से सीखना और इस गेम के बारे में हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्म करना कि आप ऐसे शुरू करिए और सबसे एफिशिएंट तरीके से कैसे आप ठीक ठीक है इस गेम को चालू कर सकते हैं और खेल सकते हैं। अभी देखो यहाँ है, ठीक है, अब मैं धीरे 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 करके, अब देखो क्यों ये स्मॉल पैल बेड है, ये बिस्तरे आप बनाने हैं, हाँ हाँ, ये बिस्तरे आप देखो मैं सेट कर रहा हूँ, जितना पास हो सकेगा अपने हम उतना पास बनाएंगे। हाँ और एक चीज और है, क्या पैल बॉक्स जो मैंने लगाया है उसमें उसके अलग छोटे छोटे मिशन है, उनको जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, देखो अभी इसको मैं डालूंगा, ये देखो आ गया मेरे बेस में, ये गुलाबी बागड़ बिल्ला आ गया मेरे बेस में, उसने बनाना चालू कर दिया पीछे। अच्छा अच्छा, जो पीछे तुमने टन 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 आवाज आ रही है ना, वो पीछे अपना बिस्तरा खुद बना रहा है, अपना बिस्तरा, ठीक हाँ, ठीक है, अपना बिस्तरा खुद बना रहा है, ये सब कहते हैं मर्चेंट अर्चेंट ये आते हैं, देखो लिख के आ रहा ना, पैल्स विदाउट बेड विल गेट स्ट्रेस्ड, ओके, तो अगर तुम बिस्तरा उनके लिए नहीं बनाओगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, उनको काम करना बंद कर देंगे, फिर तुमको मेडिसिन बना के खिलानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग पैल्स फियर बना सकते हैं। तो जैसे अभी उस टाइम कहते हैं पोकेमोन मर गया था, हाँ नहीं नहीं वो तो डेथ है, वो अलग चीज है, इसमें तुम्हारे पकड़े में उसी किस्म का डेथ होगा ना, नहीं नहीं डेथ नहीं होगा, वो काम करना बंद कर देगा, जाके लेट जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, इनके अपने मूड्स भी हैं, हर पैल का जो तुम पकड़ोगे अलग अलग टाइप का मूड रहेगा चाहे सेम स्पीशीज हो। अच्छा अच्छा, हाँ काफी बड़ा वर्सेटाइल उसको किया हुआ इन लोगों ने, जो इनका मैकेनिक है पूरा। वाह क्या मार रहे हो बाबा, वीडियो स्पीड अप है, इतना तेज नहीं मारते हैं एक्चुअली, लाइफ में ग्राइंडिंग बहुत ज्यादा है, स्पीड अप किया क्योंकि ग्राइंडिंग ज्यादा है। हाँ ग्राइंडिंग सही बात है, ठीक है। ये स्पीड क्यों कम हो गई? स्पीड कम नहीं हो गई क्योंकि मैं ओवर एनकम्बर्ड हूँ, देख रहे हो नीचे 300 मेरी वेट है, मैं 343 लेके चल रहा हूँ। हो, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपनी दीवार सेट करनी है, वरना इसमें रेड्स भी होती हैं, इस गेम में रेड्स भी होती हैं, तुम्हारे बेस पे अटैक होगा। हाँ तब समझ में आया, ठीक है, अगर तुम अपने बेस को एक साइड से प्रोटेक्टेड रखो तो इसको लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो तुम बॉटल नेक करके एक बार में उड़ा सकते हो, ठीक है। क्या अब फिर तोड़ दिया इसे? हाँ वो पत्थर आके वहाँ बिल कैसे करेंगे, ठीक है, तो इनका एस्पेक्ट बड़ा अच्छा है, ये थोड़ा फोर्टनाइट टाइप का, थोड़ा पोकेमोन टाइप का, थोड़ा समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, अपना शहर बसाओ तुम, शहर बसा लिटरली भाई, लोगों ने इसमें पूरे पूरे शहर बसाए हैं। तो सर्वर्स क्या हम उनको विजिट कर सकते हैं? तुम हाँ, तुम मल्टीप्लेयर सर्वर्स में जाओ। हाँ हाँ, तुम जिस मैप में आओगे तुम अकेले नहीं खेल लोगे, वहां पे और भी लोग खेल लेंगे, उनके अपने बेसिस होंगे, अपने बड़े बड़े बना रखे हैं लोगों ने इसमें, कुछ लोगों ने तो पूरी पूरी सिटीज बना रखी हैं, जिसमें क्या किया हुआ है, जो मर्चेंट आया था वो और भी एनपीसी जो पूरे मैप में है उनको जाके मार के पकड़ के ये अपनी सिटी में ला के रखा हुआ है। हाँ, दरवाजा लगा करके पासवर्ड सेट करना रहता है ताकि कोई और इसको खोल के घुस ना जाए, उसको दरवाजा का पासवर्ड पता हो तो घुस जाएगा। ये हमको लग रहा है क्लैन में कहने का आएगी अगर कोई जैसे, है ना, तो उसके लिए इन लोग ने रखा है कि मान लो तुमने अपना एक बेस बनाया, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिल करके, ठीक है ना, उसके बाद दरवाजे का पासवर्ड डाल दे तो तुम और तुम्हारे क्लैन वाले ही सिर्फ घुस सकते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी बाय द वे व्यूअर्स, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज या आवाज आती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। एक्चुअली हमारे घर के पास क्या कहते हैं जहाँ पे हम लोग हैं ऑफिस के पास, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ इडियट्स भी जो है वो टहल रहे हैं इधर उधर, है ना, तो चीज़ें गिरा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं चीज़ों से, वो है ठीक है, तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। चलिए है ना, बात है। तो अब देखो जैसे धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, अभी देखो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा है, अभी धीरे धीरे ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, जितना मैं ग्राइंड अभी कर रहा हूँ ये सब खत्म हो जाएगा, इतना मुझे कुछ नहीं करना। जो वो बहुत कह रहा है अभी भी कि बहुत ज्यादा कैरी कर रखा है। हाँ बाबा थोड़ा तो करना पड़ता है, देखो अब यहाँ से हम फेंकेंगे, जैसे ये ओर है यही है, ये जो ओर है ये मेन चीज है, यही पिघलाएंगे क्या कहते हैं फायर टाइप वाले पेल्स। अच्छा जो अभी तुमने बताया कि ये मार रहा है, कौन क्या मार रहे हैं वहाँ पर तुम्हारे पास, कौन मार रहा है? अभी तुमने बोला था कोई मार नहीं रहा है, वो ना ये पिंक वाला ना वो माइनिंग कर रहा है मेरे लिए। नहीं नहीं ये अगर बगल तुम्हारे कुछ मार रहे हैं लोग, क्या मार रहे हैं? मार कोई नहीं रहा है, कुछ कोई मारेगा क्या कुछ पे, कोई अगल बगल मार रहा था। अबे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे थे जो उधर चल रहा है, पगले कौन सा चल उसकी आवाज पकड़ेगी ना, है ना। ये क्या कर रहा है अब मैं भाई डब्बे सेट कर रहा हूँ, सबको सामान अकेला अपना खुद का लेकर थोड़ा ना घूमूंगा, हैं? कौन सा सामान रखना है इस डिब्बे में? बाबा सामान जो हम लिए हैं वुड स्टोन, तुम सेक्सुअल ना हो हर चीज में डबल मीनिंग ला रहे हो। अब देखो ये चीजें मैंने इसमें रख दी, ये चीजें डिब्बे में असाइन हो गई, अब बाद में जब मुझे रखनी होगी यही सेम चीजें मैं लेके आऊंगा, मुझे एक एक करके नहीं रखना, मैं आर दबाऊंगा ऑटोमेटिकली जो चीजें इसमें पहले से है वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, मतलब कहीं से भी ग्राइंडिंग करोगे वापस आके यहीं चली जाएगी। और यहाँ पे जब मैं ग्राइंड करूंगा इस जगह पे अपने बेस में आके जब भी मैं कोई चीज क्राफ्ट करूंगा तो इस डब्बे से डायरेक्टली मैं खींच सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर रखने की जरूरत नहीं, ग्राइंडिंग में मजा आएगा। फिर सेक्सुअल हो रहा है? अरे नहीं फिर सेक्सुअल, ग्राइंडिंग, हाँ ग्राइंडिंग मजा आएगा ठीक है। अभी देखो चीज तुमने मिस कर दी, पैल बॉक्स मैंने अपना अपग्रेड किया, अब मैं 3 पैल्स डाल सकता हूँ अपने बेस में। अच्छा अच्छा, इसीलिए तीसरा बिस्तर बनाने जा रहा हूँ अभी, वो पिंक का मेरा जो बागड़ बिल्ला वो आएगा इसको भी बनाएगा, है ना। जानवर रखा कहाँ से आ गया? अरे वो राइट क्लिक किया ना, चलो मेरे को बनाना पड़ा, पहुंच नहीं पाया। खैर एक और बागड़ बिल्ला हम डालेंगे और एक ये डाल देंगे, कौन से ईवी की कॉपी? देखो नहीं नहीं स्पार्कलेट हम शायद ना डालें, हाँ स्पार्कलेट डाल दें, क्यों? क्योंकि इसके पास गैदरिंग है ठीक है, ये चीजें उठा करके ला सकता है मेरे डिब्बों में रखने के लिए, तो हमने डाल दिया इसको, है ना। सब कॉटन बॉल्स लैम बॉल्स सॉरी टहल रहे हैं, उनको भी पकड़ना है धीरे धीरे। अभी मेन जो मुझे चीजें चाहिए वो है वुड लकड़ी, काटो 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 काट रहे हो, हाँ बनाबन बनाबन और धनाधन, बनाबन और धनाधन ठीक है। अभी के लिए बाबा देखो ये सब चल रहा है ठीक है, हाँ आज के लिए इतना बस करते हैं क्योंकि टाइम भी अब खत्म हो रहा है हम लोग के पास, हैं? नहीं वैसे मैंने अभी नोटिस किया तुम काटने बहुत अच्छे हो, लकड़ियाँ हैं। हाँ हाँ हम समझ रहे क्या काटने की बात हो रही है, लकड़ी की तो बात कर रहे हैं, क्या स्पीड से लकड़ी काटा था यार तुमने। ठीक है ठीक है ठीक है, कटाई छटाई सब होती है यहाँ पे, क्या है? बात है क्या बात है, है ना। तो कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, ऐसे ही देखो सब चीजें बन रही है। ये रिपेयर बेंचे से जब भी हम लोग का टूल्स जो है वो खराब होंगे या क्रैक होंगे होते हैं ओवर यूज में, जब यूज करोगे धीरे धीरे उनकी क्वालिटी कम होगी, डिटीरियोरेट होते हैं, तो यहाँ पे ला करके वही वो पीछे लगे बनाने के, हाँ वो बना रहे हैं। देखो अब एक छोड़ कर दिया क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है, अब मैं पीछे इसके बनाऊंगा ना, बीच में जगह निकालनी है मुझे चलने की, तो बिस्तर तोड़ दिया। हाँ वो वापस मिल जाते हैं रिसोर्सेज, जब भी तुम चीजें कोई डिकंस्ट्रक्ट करते हो तुमको उसके रिसोर्सेज वापस मिल जाएंगे, तुम फिर से बना सकते हो, तब बढ़िया है, है ना। ये सेट करो तुम अपना बढ़िया, तुम इसमें भाई बहुत बड़ा इसका बिल्डिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है, तुम बड़े बड़े घर मैंशन किले बनाए हुए लोगों ने पूरे पूरे, और अभी तो ये देखो अभी तो सिर्फ वुड कंस्ट्रक्शन आया है, जब स्टोन कंस्ट्रक्शन आ जाएगा जब मैं लेवल अप करूंगा तो हम लोग जो है स्टोन और वुड के मिक्सचर में भी चीज़ें बिल्डिंग्स बना सकेंगे, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में बहुत मज़ा आती है। अच्छा चलो आज के लिए बस इतना इनफ है, मिलते हैं जल्द पैल वर्ल्ड में। हाँ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन अ फर्स्ट एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड,
फिर से आइएगा, आते रहिएगा, देखते रहिएगा, हम लोग ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमारा कंटेंट भी और बेटर हो सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग ला सकते रहें। प्लीज़ हम लोग के और भी वीडियोस भी चेकआउट करिएगा, हम लोग ने मॉडर्न वॉरफेयर 2 भी खेला है और भी नहीं लाइक गेम्स लेकर आएंगे हम लोग। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय 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 बाय।